वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है जो कि जनरल ग्रुप वालों की है, 10th क्लास की स्टूडेंट्स की है। जनरल रियाजी का जो है वो सेकेंड यूनिट और उसकी सेकेंड एक्सरसाइज है 2.2। आज की वीडियो में आप इसको हल करना है जब आप सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपने जो पिछली एक्सरसाइज सीखी है उसमें ये पहले दो वाले फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, तो इस वाली एक्सरसाइज में भी ऑलमोस्ट सारे सारी एक्सरसाइज में यही फार्मूले इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और आपने ये तकनीक को समझना है कि कौन सी शक्ल कैसे बन रही है, लेकिन फार्मूले जारी बात है यही इस्तेमाल होंगे, सिर्फ सवाल आपका जो है वो फर्क होता जाएगा। यानी सारे सवाल की वैल्यूज एक जैसी तो होंगी नहीं, डिफरेंट होंगी सबकी, तो डिफरेंट सिर्फ वैल्यूज होंगी लेकिन मेथड सबका सेम होगा। तो मैं जो आपके लिए तो मैं ऐसे क्वेश्चन को हल कर रही हूँ जो कि एक जैसे हैं, तो जो सिमिलर क्वेश्चन हैं एक जैसे सवाल है वो आपके लिए छोड़े हैं। आप इनका मेथड सीखें तो बाकी आप जारी बातें खुद भी करने के काबिल हो जाएंगे। यानी एक दो भी अगर आप मेथड सीखते हैं तो बाकी आप सवाल जारी बातें अगर अच्छे तरीके से समझते हैं तो आपको नेक्स्ट किसी और की हेल्प जरूरत नहीं पड़ती है, आपको किसी की भी हेल्प की, यानी आप खुद अपने तौर पर भी सवाल को हल करना जो सीख जाते हैं, आपको हल करना जो वो आ जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, पहली का मुरब्बा दूसरी का मुरब्बा, यानी यहाँ पे दो वेरिएबल इस्तेमाल तीन हो रहे हैं बल्कि एक्स वाई और ए, ठीक है। आपके फार्मूले जारी बात है ए बी की शक्ल में दिए होते हैं, ऑलमोस्ट सारे जितने भी फार्मूलेज होते हैं वो आपके ए बी की शक्ल में दिए होते हैं, ठीक है। शक्ल यही होती है तो फर्क हो जाती है सवाल में, यहाँ पे ए बी यहाँ पे एक्स वाई की शक्ल में दिया हुआ, सिर्फ ये चेंजेस है। तो अगर आप गौर करें, ये पहली का मुरब्बा, ये दूसरी का मुरब्बा और ये दो कुलिए का पहली रकम जरब दूसरी रकम जो कि आपके कुलिए के हिसाब से भी होती है, तो यानी आप लिख सकते हैं एक्स की दो, यानी तरतीब भी दे ले या इस तरह भी अगर लिख देते हैं, यानी दो वाली शक्ल जो है वो बीच में लिख दी गई है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ जगह चेंज है, बाकी फार्मूला तो जारी बात है सेम आपका वही होगा। तो माइनस ए की दो है तो कुलिए के हिसाब से आप जारी बात है इसकी शक्ल यानी पहली और दूसरी का आप क्या लिख सकते हैं, मुरब्बा। अब यहाँ पे जमा का हिसाब जो है वो आपको खुद ही पता चल जाता है, यानी अगर अगर आपने गौर किया यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, यानी अगर प्लस का होगा तो यहाँ पे प्लस लगेगा, अगर माइनस है तो यहाँ पे टू के साथ जो है वो माइनस लगेगा। तो यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब दरमियान में क्या जो यहाँ पे टू के साथ साइन होता है वही आपकी रकम के अंदर अलामत आती है, तो यहाँ पे जारी बात प्लस है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। तो इस सारे का आप क्या लिख सकते हैं, मुरब्बा और एक ही दो। अब आता है आपका सेकेंड फार्मूला, यानी इस फार्मूले में आपके या तो पहला या सेकंड, इन दोनों में से एक शक्ल इस्तेमाल होगी, या तो प्लस वाली या फिर माइनस वाली। अब ये आपके सवाल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस वाला इस्तेमाल हुआ तो इसलिए पहला होगा, लेकिन सेकंड वाली जो इसका सेकंड हिस्सा होगा उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ये सेकेंड वाला। अब सेकेंड वाले का आपको कैसे पता चलेगा, ए जमा बी, ए माइनस बी, यानी दो एक जैसी वैल्यू, यानी पहली पहली और दूसरी दरमियान में एक के जमा है एक के माइनस है, यानी एक के जमा और एक के माइनस हो तो दूसरी तरफ शक्ल क्या बनती है, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, ये आपके फार्मूले में जो वो खा गया। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें जो अभी आपके सामने सवाल हल किया, फर्स्ट के लिए ये सारी ए है और ये सारी बी है, ठीक है। हालांकि ये दो वैल्यूज हैं लेकिन आपको जारी बात एक कुलिए के हिसाब से अपनी सवाल को हल करना है, तो इसको समझने के लिए सारी जो है वो ए कंसिडर की जाएगी, यानी एक तरह से कह लीजिए पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, ठीक है। तो अब आप कुलिए के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसी वैल्यू को एक दफा जमा और इसी वैल्यू को एक दफा माइनस जो वो लिख सकते हैं, यानी एक्स जमा वाई माइनस सॉरी प्लस पहले आएगा, पहले जमा की फिर माइनस की, फिर यही वैल्यू आपकी माइनस ए है जो कि फाइनल आपका आंसर होगा। और ऑलमोस्ट आपके जितने भी क्वेश्चन है सब में यही मेथड है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री। अब यहाँ पे आपने सवाल जारी बात है सेम वही मेथड है, ये सारी वैल्यू यानी ये आपके पहले वाले कुलिए के हिसाब से होगी और ये सेकंड वाले के हिसाब से होगी। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं,
तो यहाँ पे आपने देखना है पहली का मुरब्बा, ठीक है, और ये दूसरी का मुरब्बा जारी बात है खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ पे थ्री है, नाइन है सॉरी, तो नाइन का मुरब्बा क्या बनेगा, थ्री का मुरब्बा। अब ये पहली दूसरी वैल्यू आपके पास बन गई है, यहाँ पे छ है तो इसका मतलब दो कुलिये का पहली रकम और जरब दूसरी जो कि आपको यहाँ से मिलती है, तो 3 2 बार 6 वापस ये आपके बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले की शक्ल होगी है, ये थोड़ा सा सॉरी ऊपर नीचे हो गया, यानी वैल्यू थोड़ी सी ऊपर लिखी गई है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू को जो है प्रॉपर तरीके से लिखना है, यानी यहाँ पे 3a का मुरब्बा। अब ये इसका भी आपने खुद ही मुरब्बा बना देना है पहले, क्योंकि कुलिये के हिसाब से पहली और दूसरी का मुरब्बा होता है। तो यहाँ पे जारी बात बी का तो पहले से बना हो, लेकिन 4 का नहीं, 4 का आप खुद ना 16 का नहीं है, तो 4b का मुरब्बा, यानी वापस इसको ओपन करें तो ये 16 है, यानी 4 को 4 से जरब दें तो ये क्या होगा, 16 होगा। तो इसलिए इसका मुरब्बा क्या बनेगा, 4b का मुरब्बा, वो कुलिये के हिसाब से है। तो पहले तो इस वाली को आपने क्या करना है, पहली जमा दूसरी, जमा वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 3a, इस सारी को आप क्या कर सकते हैं, मुरब्बा लिख सकते हैं कुलिये के हिसाब से। अब ये भी क्योंकि जमा वाला था इसे जमा दरमियान में आएगा, और ये हमने खुद बनाया है, तो कुलिये के हिसाब से ये सारी आपकी ए है ये बी है, ठीक है, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। तो अब कुलिये के हिसाब से आपने क्या करना है, इस वैल्यू को एक दफा जमा, ठीक है, और इसी वैल्यू को आपने माइनस करके जब फाइनल आंसर आपने लिखना है। होप आपको ये पॉइंट नजर आ रहा, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स जमा 3a+4b इंटू x+3a-4b आपका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम वही अमल है, ठीक है। वैसे तो इस वाली एक्सरसाइज की अगर 2 3 भी सवाल आपको बस करवा दिए जाते, तो यानी अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाओ तो बाकी आप एक्सरसाइज जो है वो खुद भी हल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इसके ज्यादा सवाल हैं, तो मैंने आपके लिए हल जो है वो कर दिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पे सेम वही अमल है कि पहली का मुरब्बा, ठीक है, दूसरी भी आपके पास बनी हुई सेम यही है, यहाँ पे ए बी की शक्ल में लिखा हुआ, तो यहाँ पे माइनस की सॉरी एक्स वाई की शक्ल में लिखा हुआ, तो आप सिंपल यहाँ पे कर दें कि एक्स जमा वाई का मुरब्बा आप लिख देते हैं, ठीक है, जिस तरह ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल वही शक्ल है, यहाँ पे ए बी की शक्ल में लिखा हुआ है फार्मूला, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा 2ab, तो यहाँ पे ये एक्स वाई की शक्ल में दिया हुआ है, बस इतना ही सा फर्क है, बाकी फार्मूला वही है। तो यानी आप इसका इस सारे का आप क्या लिख सकते हैं, इस सारी की जगह क्या आ गया, पहली दूसरी का मुरब्बा माइनस इसका आप खुद बनाएंगे, अददी सर का 2 बनता है, यानी 2 2 बार 4 होगा, और साथ में एक्स और वाई का मुरब्बा, यानी वापस ये चीज बननी चाहिए, 2 2 बार 4 हो जाएगा, x की 2 y की 2, तो आप कुलिये के हिसाब से पहली का मुरब्बा ये सारी एक है और ये एक है, यानी ए है और ये वाली बी है, ए का मुरब्बा बी का मुरब्बा, तो कुलिये के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसी वैल्यू को एक दफा जमा, इसी को एक दफा आप माइनस कर सकते हैं। अब एक्स जमा वाई जमा 2xy है, ठीक है जी, इंटू एक्स जमा वाई माइनस 2xy इसका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ पे आपने गौर करना, पहले तो इसको जरा तरतीब दे लें, यानी ये ठीक है इसी तरह रहने दे, x y जमा y की 2, ठीक है, ये तो इसी तरह रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, यहाँ माइनस है a है, तो सारी बात है यहाँ पे वैल्यूज जो है वो a जो है वो प्लस होता है, तो इसकी वजह से माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 ही 2 जब माइनस माइनस जमा हो जाएगा, जमा माइनस माइनस 2ab, 1 ही 2, और ये क्योंकि माइनस कॉमन चला गया तो ये प्लस का है, तो जमा माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस b की 2 हो जाएगा। अब ये सारी चीज इसलिए की गई है क्योंकि a जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस को जो है वो कॉमन ले लिया गया, बाकी सब कुछ वैसे ही लिख दिया, यानी ब्रैकेट्स के अंदर बस लिख दिया है प्रॉपर तरीके से, यानी ये एक फार्मूले की शक्ल और ये एक फार्मूले की शक्ल। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये तो हमारे फार्मूले की शक्ल है माइनस वाले की, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का और माइनस 2ab, ये वाली शक्ल, सेकेंड वाली आपकी यहाँ पे बन गई है, और यही शक्ल अब ये ए बी की शक्ल में है, तो यहाँ पे ये एक्स वाई की शक्ल में है, यानी सेम यही शक्ल है, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का माइनस 2 कुलिये का पहली दूसरी रकम,
तो यानी आप क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई का मुरब्बा, ठीक है, और यहाँ से ए माइनस बी का मुरब्बा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहली का मुरब्बा है तो दूसरी का मुरब्बा, ये हमारे पास शक्ल बनी हुई है। लेकिन जारी बात है यहाँ पे दो वैल्यूज को लेके बनाया गया, यानी सारी आपकी कंसीडर होगी ए है और ये सारी आपकी बी है, यानी ए का मुरब्बा माइनस बी का मुरब्बा, तो ये किसके बराबर होगा, इसी वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसी वैल्यू को आप एक दफा, और यहाँ पे माइनस है वैल्यू में, इस वाली वैल्यू को एक दफा आपने जमा, और इसी वैल्यू को एक दफा जमा करके, और जमा हो गई है अभी आपकी माइनस होगी, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, अब ये थर्ड टाइप के सवाल आपके आ गए हैं, यानी इस टाइप के सवाल भी होंगे, ये आपको जारी बात है ये जो वैल्यू है इनसे भी पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो ये दो से तीन सवाल हैं इसी तरह के, आप एक का मेथड सीख लीजिए, बाकी आप जब खुद कर लेना। तो यहाँ पे फोर फोर पावर, यानी आपको याद रखने की एक आसानी भी होगी कि ए फोर और वाई फोर, यानी पहले मुरब्बे की शक्ल में वैल्यूज आ रही थी, मेथड वही है जो आपका पिछले सवाल में था, लेकिन यहाँ पे जारी बात है चेंजेस आ रही है, चेंजेस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फोर फोर पावर आ रही है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको मुरब्बा बनाना है, यानी इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्केयर या फिर मुकम्मल मुरब्बा करने से। तो यहाँ पे आपको मुकम्मल मुरब्बा करने के लिए क्या चाहिए, पहली दूसरी का मुरब्बा, लेकिन यहाँ पे मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए दो को लिए का और पहली दूसरी वैल्यू, पहली दूसरी वैल्यू तो आपको यहीं से मिल जाएगी, यानी ए की दो करें, अब आठ को आठ से जरब देंगे, वाई की दो, यानी पावर की पावर हो तो आप एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो या कुवत के ऊपर कुवत हो तो आपस में जरब खाएंगे, यानी दो दो बार चार, ये भी दो दो बार चार, और 64 की क्योंकि टू टाइम ही होगा क्योंकि हम मुरब्बा बना रहे हैं, तो जारी बात है 64 का आप एड कर सकते हैं, आठ को दो दफा जरब देंगे तो आपके पास 64 होगा। तो अब यहाँ पे आपके पास मुरब्बा कम्प्लीट करने के लिए क्या चीज है, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा, ठीक है, अब जमा यहाँ पे दो है तो पहली वैल्यू आपके पास क्या है, एक की टू होगी, फिर पहली वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू आपके पास क्या होगी, आठ, आठ और वाई की दो आपके पास वैल्यू जो है वो होनी चाहिए कंप्लीटिंग स्केयर करने के लिए, यानी आपको सवाल में ही मिल जाती हैं चीजें, यानी दो सारी बात आपको पता है कुलिए के हिसाब से, मुरब्बे को कम्प्लीट करने के लिए आपको टू चाहिए, पहली वैल्यू जो आपको यहीं से मिल जाएगी, सेकेंड भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, इसी वैल्यू को, इसी सारी वैल्यू को आपने माइनस करके भी लिख देना है। अब इसके पीछे भी वजह है, यानी आप इसको कैंसिल करेंगे, यानी क्योंकि एक प्लस की और एक माइनस की कुलिए आपको ये पता होना चाहिए, एक प्लस की हो तो माइनस की एक जैसी रकम हो, तो ये आपस में क्या हो जाती है, यानी प्लस जमा का और माइनस दो हो तो आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये फर्ज करें सारी वैल्यू एक है जमा की और एक है सारी वैल्यू माइनस की, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल होके वापस हमारे पास यही वैल्यू बच जाएगी, लेकिन हमने इसका इजाफा जो है वो कंप्लीटिंग स्केयर यानी मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए इसको जो है वो ऐड किया गया है। अब कंप्लीटिंग स्केयर आपका यहाँ पे हो जाता है, यानी आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एक ही दो, ठीक है, जमा दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, आठ वाई की दो का आप क्या लिख सकते हैं, मुरब्बा लिख सकते हैं, यानी इस सारी यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू को आप मुरब्बा बना के लिख सकते हैं, यानी पहली पहली वैल्यू आपके पास एक ही दो है जमा आठ वाई की दो है, तो माइनस ये आपके पास आ जाएगा आठ दो बार सोलह, एक ही दो वाई की दो, लेकिन अभी आपका सवाल कंप्लीट नहीं है। तो अब जब ये स्टेप आ जाता है आपको पता है आपके मुरब्बा होना चाहिए एक ही दो आठ वाई की दो का मुरब्बा, ठीक है, माइनस, यानी यहां से आपका फिर वही पुराने मेथड से फर्क आपका यहीं पे सवाल का है कि आपने ये जो है वो ऐड खुद करना है इन दो तीन सवालों में, यानी ये जमा मनफी करके खुद ही ऐड करना है। तो ये जब हो जाए 16 का मुरब्बा क्या बनाएंगे, यानी यहाँ से पुराना मेथड है 16 का 4 करेंगे ए वाई का मुरब्बा, जो कि आपकी ये वाली शक्ल है, यानी पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, तो आपके पास ये सारी ए है और ये सारी बी है, तो आपने क्या करना है ए बी ए और बी, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इसी वैल्यू को एक दफा आप
जमा करके लिखेंगे, ठीक है, 4ay, और इसी वैल्यू को आपने एक दफा, यानी पहले ये 8y की 2 माइनस 4ay, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे अगर आप प्योर करें 4x की 4 है माइनस 5x की 2, y की 2 प्लस y की 4y है, तो यहाँ पे आपका सेम वही अमल है जो पिछले सवाल में किया था, आपने कंप्लीटेड स्केयर है यानी मुरब्बा मुकम्मल करना है। अब मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए पहली दूसरी वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल रही है, यानी 4 4 है, पिछले सवाल में भी 4 था, तो यहाँ पे 2 की 2 करेंगे, तो ये यानी वापस ये चीज बननी चाहिए, 2 का मुरब्बा 2 2 बार 4 होगा, और एक्स है तो 2 2 की यानी एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, या फिर कुवत कुवत है तो आपस में जरब खाएगी, तो 2 2 बार 4, यानी ये आपकी चीज कंप्लीट होती है, और यहाँ से वाई की 2 की 2, तो आपकी हाफ चीज कंप्लीट है, यानी पहली का मुरब्बा दूसरी का, यानी पहली और दूसरी वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है, यानी ए और बी आपको, ये ए है और ये बी है। अब आपको कंप्लीट करना है इस वाली चीज को, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ 5x² y² है, तो यहाँ अगर आप गौर करें 2 कुलिये का आपका होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और सेकंड वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे ये साइन है, अलामत है, वही आपके यहाँ पे होगी, यानी माइनस है तो 2 कुलिये का है, ठीक है, ये 2 कुलिये का है, और पहली वैल्यू यहाँ पे 2x की 2 है, ठीक है, पहली वैल्यू आपकी यानी ए आपका ये है, और बी आपके पास क्या है, वाई की 2, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे 5 भी कंप्लीट करना है, माइनस 5, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐड करेंगे 9x² y². अब इसको ऐड करने की वजह है, यानी माइनस 9 में से आप कितने निकालेंगे, 5 निकालेंगे, ठीक है, प्लस के प्लस 9 में से माइनस 9 निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, प्लस नहीं सॉरी, यहाँ पे आपने 9 में से जो है वो माइनस 9 में से प्लस 4 निकालने हैं, तो फिर आपके पास कितने बचेंगे, माइनस 9, यानी माइनस 9 में से प्लस 4 निकाला तो आपके पास माइनस 5 आता है, तो ये माइनस ये 2 2 बार कितने होते हैं, 4, यानी 4 को, अब जाहिर बात है हमें 5 भी कंप्लीट करना है, तो जाहिर बात आप कैसा कौन सा हिंसा इस्तेमाल करें, कौन सा हिंसा जो है वो इस्तेमाल करें कि वो 5 को भी कंप्लीट करें। अब इसको तो पहले हमने कंप्लीट कर लिया, यानी 2 कुलिये का लगाया, पहली रकम जरा दूसरी रकम, यानी ये कितना बन गया हमारे पास, 2 2 बार 4, तो इसका मतलब 9 एक ऐसा हिंसा है जिसमें से 4 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस 5 जो है वो बचेगा, तो यहाँ पे ऐड क्या होगा आपके पास, माइनस 9। अब इस वाले सारे को आप क्या कर सकते हैं, पहली और माइनस दूसरी का जो है वो आप मुरब्बा लिख सकते हैं कुलिये के हिसाब से, यानी पहली आपके पास ये है, दूसरी आपके पास है, अब इसका मुरब्बा आप खुद ही बना लें, 3xy का मुरब्बा, यानी 3 को 3 से जरब देंगे तो 9 बनेगा, x² y², इसको जब ओपन करेंगे कुलिये को तो 2 का मतलब ये होता है कि 2 3 को 3 से जरब देंगे 9 बनेगा, x की 2 y की 2, ठीक है। अब यहाँ पे कुलिये के हिसाब से पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, वो ये है आपकी शक्ल फार्मूले की, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वैल्यू को एक दफा, इस सारी वैल्यू को आपने एक दफा जमा, ठीक है, और इसी को आपने एक दफा माइनस करके लिखना है, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, होप आपको ये एक्सरसाइज आसानी से समझ आ गई हो, अगर कहीं पे मुश्किल पेश आती है तो प्लीज आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो जो है वो बना दूंगी। प्लीज अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो मेरी वीडियो को अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, अगर टीचर हैं तो प्लीज अपने कोलीग्स और अपने स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो उस वीडियो को देख सकें और रियाजी को हल करना जो सीख सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।